हाँ छोटी होगी नहीं, मतलब इस तरह का जो आपने पहले दिखाया है ना वहाँ पे वो उसी टाइप की बनेगी। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक है? पहले आप बताओ, आप कैसे? सलाम करो, सलाम करो पहले, चलो सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम बोलो। क्या अपनी बातें बताने लग पड़ती? सलाम नहीं अभी तक सीख रही कब? अच्छा बोलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग टेंशन ना ले, बस और कोई समझ ले, एक महीना लगेगा, सलाम भी सीख जाएगी, अभी बोलना नहीं ना आता, फिर आप लोगों को 1 2 3 स्टार्ट करके ना साथ ही सलाम किया करेगी। कैसे इस तरह टावल बांधने से बाल खुशक भी होते हैं? बातें बनी ऐसे बातें बनी है, मुझे नहीं मालूम ऐसे ऑयली होते हैं ना, भागते हुए होते हैं। अभी का सीन ये है कि हम लोग करने लगे नाश्ता, ठीक है? अभी हम काफी टाइम के उठ गए, मैं तो तकरीबन अक्सर से बिना कोई 2 घंटे पहले का उठा होता, मेरी नींद ही पता नहीं किधर गई हुई है, या पता नहीं रात को जल्दी सोने लग पड़े हैं। हाँ अक्सर काफी लेट सोई थी, जाग रही थी, नींद ही नहीं आती, वैसे लेटे लेटे भी नहीं नींद आ रही होती। अभी का सीन ये है कि हम लोगों ने करना है नाश्ता, अक्सर बनाने लगी है पराठा, और अपने लिए अक्सर बनाने लगी है कुछ कबाब शबाब, और आयशा के लिए भी एक कबाब बनाएगी, नगेट्स चाहे निकाल लेना आयशा के लिए, वो भी बना लेना। नगेट्स खाने हैं आयशा आपने? हम चाह रहे हैं कि जिस तरह की आप लोगों को पता है कि फ्राइडे सैटरडे को हमारा सामान इंशाल्लाह आना है, जितना भी फर्नीचर जो है बाहर का सोफा वगैरह यहाँ का और हमारे रूम का बेड, ये फिर आप लोगों को साफ साफ सारा कुछ नजर आया करेगा, तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि जो बेड का एक काउच बनवाना है ना, वो बाद में रख के लेके आना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो हम लोग ना अभी उसको बनवा लें, क्योंकि यहाँ से ना रेंट बहुत ज्यादा पड़ जाता है, 4-5 हज़ार रुपया रेंट पड़ता है, तो हम ये वाली सारी चीजें एक दफा ही ले आए, जो बाकी हो छोटी मोटी वो तो चलो बंदा गाड़ी में डेकोरेशन के फ्रेम्स वगैरह ये सारा कुछ ले आता है, तो अभी का बस ये चीज हम लोगों ने चलना है और जाके ढूंढना है। उसने अपनी टूटी चला ली अंदर, मैं कुछ 10 लाख की टूटी का इंतजार कर ला, टूटी नहीं नहीं रहने देना, तो ना ना चलाओ, क्यों चला रही है? तो यहाँ पे ये जितने भी टॉयज आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे आयशा ने खोल के, आयशा ये टॉयज उठाओ, जल्दी करो, जल्दी करो टॉयज उठाओ, वो सारे अंदर तक आपके टॉयज पहुंचे पड़े हैं, उठाओ ये ना, उठाओ खाने देती है और खेलती भी नहीं है, ऐसे मैं अंदर समेट के रखती हूं ना, अंदर से लाके इधर रख दिए, इधर रख दिए, ये देख अभी टॉयज उठाइए, देखिए हम टॉयज इसके उठाए, अक्सर सारे टॉयज उठाए, सारे टॉयज उठा दे, इसके अंदर डाल दे, लो डालो इसके अंदर सारे, चलो चलो चलो, वो आई थी वो बाकी लेके आने थी टॉयज वाली, याद ही नहीं रही, चले ले आएंगे इंशाल्लाह। अब आप नाश्ता बनाए ना, जल्दी जल्दी करें, जाके देखना है। मैं आयशा के लिए नगेट्स निकालने लगा हूँ, आयशा नगेट्स खाने हैं आपने? यार नगेट्स तो खाते हैं, मैंने नहीं खाना, मैं चेक करवा देता हूँ इसको, मुझे लगता पता नहीं लग रहा, कितने निकाल दो अक्सा, कितने निकाल, सही है आजकल ना YouTube फैमिली मेरे हाथ से बार बार गिरने लगती है बेचारे, सारे गिरने लगते हैं, 4 बहुत है, मैंने नहीं एक, चलो और काट लें, मुझे तो कोई नहीं, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ कितने काट लूँ, पराठे के साथ वैसे नगेट्स तो कोई नहीं खाए जाते जी, अभी ये बने ये यही नजर आ रहे हैं, ये खाने वो अभी पकने हैं, अभी पकने हैं, ये ले बन तो जाए, इस तरह लाके दूं जरा चेक करवाऊं, चेक करवाऊं इस तरह, तुमसे कह रही ना चेक करवा दे, आ जाओ आ जाओ कर लो चेक, आ जाओ नहीं कर लो चेक, चक्की काटो काटो, हाँ है खाने वाला, अभी अभी है खाने वाला, खुद बताओ मुंह का रिएक्शन देखे जरा, ये ना वो हाफ मतलब बना हुआ होता है ना, तो सिर्फ फ्रोजन हुआ होता है, तो इसलिए मैंने चेक करवा दी, कोई और चीज होती मोटी छोटी तो नहीं थी, मैंने चेक करवानी। हाँ जी मजेदार मजेदार वो देखे, कोई नहीं अभी मजेदार लगा, नहीं कोई नहीं लगा ना, नहीं अभी कोई नहीं मजेदार, कोई नहीं है अभी पराठा शराठा बनने की तैयारी चल रही है, तो ये ना आप ही ने उस दिन भेजा था साथ कस्टर्ड, तो वो बस दिमाग में याद ही नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो अभी 2-3 स्पून लगाता हूँ इसके कस्टर्ड के, उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं यहाँ पे, स्पून फिर आप अगर आप कस्टर्ड खाएंगे तो 2 पराठे तो नहीं खाए जाने, नहीं चले एक कर दे पराठा, नहीं फिर 2 बना देती, चलो बाद में खाएंगे, बाद में फिर कब खाऊंगा बताए, क्या पता आपने, मेरे ख्याल 2 ही खाने, 50-50 चल रहा है, 2 ही बना दे, इसी में खा लूं मैं कस्टर्ड, इसमें खा ले, हमने खाना, चलो ठीक है इसमें मैं कस्टर्ड खा लेता हूँ, ये आप ही नहीं आते हो स्पेशल जो सा कस्टर्ड साथ दे के भेजा था, पूरा कप बना हुआ, सही बात है, आज आयशा कस्टर्ड खाना है, तो आयशा को बिल्कुल नहीं पसंद, आयशा नहीं खाती है कस्टर्ड बिल्कुल भी, आज कस्टर्ड खा लो, कस्टर्ड नहीं पसंद इसको, हालांकि इसके अब्बा जी को इतना कस्टर्ड पसंद है, हाँ
वाह जी वाह, चाय भी तकरीबन तैयार और पराठा भी बस तकरीबन तकरीबन तैयार। मैं जो है ना ये वाले पराठा खाता हूँ, फिर रोटी बनवा के उसके ऊपर ऑयल लगाता हूँ, वो वाला नहीं जिसपे वो बल शाल दे अंदर भी घी भरे, वो वाला नहीं, सिंपल सा मैं कहता हूँ बस पराठा हल्का सा ऑयल लगाओ, ये वाला मुझे ज्यादा बेस्ट लगता है। घुमाए अब दूसरी साइड कर दे, हमें पता तो लग जाए शक्ल अभी रेड होना है। जी हाँ जी जी, दूध नहीं पीना अभी, अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है, नाश्ता करना है, नगेट्स खाने हैं, नगेट्स खाने, कोई दूध नहीं अभी मिलेगा, ये बात डन है। हाँ बस नगेट्स खाने हैं, चिकन खाने, चिकन खाना, चिकन चिकन खाना है बस, जल्दी जल्दी मेरे बच्चे के लिए चिकन रेडी कर दे। चाय, तीन कबाब, पांच नगेट्स और दो पराठे, जिसमें से मेरा बच्चा भी आज नगेट्स खाएगा। आ जाओ चिकन खाए, आ जाओ जल्दी करो मेरा मिठू, आ जाओ चिकन खाए, आ जाओ खाए नगेट्स, ल नखरे चेक करें, नखरे कर रही है, अंदर चली गई भाई ने, आ जाओ भाई ने, भाई ने आ जाओ, यही चीज करेगी ना, मेरे बच्चे के टॉयज पड़ जाती है, अगर बस वैसे उसको समझाया करें कि टॉयज उठा के इकट्ठे कर दो, लेकिन मैं बच्चों को टांग नहीं करना। याद आ गया, हाँ बस सब्सक्राइब करना, अभी पहले नाश्ता करते हैं, नाश्ता करके हम लोग निकलते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर ज्यादा रात हो जाती है जाते जाते ना, भी हम लोग जितना भी जल्दी कर लेना, मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग जितना भी जल्दी कर लें फिर भी इतनी जल्दी शाम हो जाती है ना कि समझ को नहीं लगती। लेकिन आज मौसम हुआ है, आज मौसम थोड़ा चेंज है, बादल बादल बने हुए हैं, बारिश हवा भी चली हुई है, बारिश हमें यहाँ से थोड़ी फील इस तरह आ जाती है, हम लोग ये फील कर लेते हैं नाश्ता करते हैं कि हम लोग नारायण बैठे हुए, मौसम अच्छा चल रहा है। क्या बात, क्या बात है, ये बाहर जाने की खुशियां, ये चेक करें खुशियां। अभी ये सारा जितना भी है ना, हमने सीढ़ियों वाला जितना अपना एरिया है, ये अक्सर मैंने भी मिलकर सारी सफाई की है, देखे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, यहाँ पे कल बड़ा गंद नजर आ रहा था। हाँ जी अक्सर चले आके आप लोगों को सीढ़ियां भी दिखाते हैं, सीढ़ियां भी मिलोची हम दोनों ने मिलकर ऐसे चमका दी ऊपर, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, क्या मारा हमने, मॉप शॉप मार के ऐसे जीरो मीटर कर दिए। अभी हम लोग किधर चल रहे हैं, अभी हम वो अपना फर्नीचर करने हैं, फर्नीचर वगैरह देखने जा रहे हैं, इसको बुलाएं, वो बन रहा है ना, आयशा 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 आ जाओ, ये नहीं आती यार स्कूल से, आ जाएगी खुद ही, चलना है कि नहीं फिर हमारे साथ, नहीं चलना हमारे साथ, जाएं हम फिर, अक्सर नहीं आ रही है, चलो हम जा रहे हैं, हम जाने लगे हैं, आ जाओ जल्दी करो, चलो फिंगर पकड़ो, जाओ आज जाओ, ये देख ले अक्सा, अक्सा नहीं आ रही, वो देख भागी वो, चल जा, जब मैं बाहर जाता हूँ ना, पहले जब हम जाने लगते हैं तो उसको लगता है जाने लगे फिर आ जाती है पीछे, नहीं तो फिर वो चली जाती है, वो देखें कुछ नहीं ट्रैफिक नहीं इसलिए मैं जाने दे रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे गाड़ी चाड़ी कोई नहीं आती, इसलिए जबरदस्ती पकड़ के लाया करें, वो जबरदस्ती लेके आता हूँ मैं तो, जान के खेलने लगा हूँ, वो लगी है सामने, वो देखे वो लगी है, ट्रैफिक चेक करें जरा आप लोग, और की आज तो बहुत ज्यादा हद हो गई, मैं कहता हूँ हम लोग घर से निकलते निकलते तो क्या थोड़ा लेट हो ही गए, वो सफाई सफुई वाले चक्कर में लग गए थे, हमने कहा चलो यार वो सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ साफ कर ले, दोनों ने मिलके वो सीढ़ियाँ साफ की हैं, और अभी निकले तो हालात चेक करें, आज वैसे हम निकलते हैं इस टाइम पे, निकलते हैं, हाँ बहुत ज्यादा आज, बहुत ज्यादा पता नहीं कुछ है, जो स्पेशल चीज है आज, कुछ होगा पता नहीं आज क्या स्पेशल है, आगे जाके पता चल जाएगा आगे क्या स्पेशल है, यहाँ पे यूसीपी भी आती है, दिल कर यूनिवर्सिटी की छुट्टी का टाइम हो, छुट्टी हो गई, छुट्टी का टाइम हो इसलिए भी हो सकती है ट्रैफिक, बार आयशा जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पीछे आराम से सो गई, वो आराम से सो गई, उसने कहा जब पहुंचेंगे अब तब भी फर्नीचर देखूंगी, मामा पापा तो फर्नीचर देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, लेकिन बच्चे को ये बात बता दे देखी नहीं जा रहे, उस तो छोटी है उसको नहीं पता, हमने एडवांस एडवांस पकड़ा दी है, बस अब सैटरडे या फ्राइडे का वेट है हमें इंशाल्लाह, बस आज हम ना फर्नीचर, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे को मिल जाएगा, आज हम लोग इसलिए जा रहे हैं कि जाके थोड़ी सी बेड की सूरत हाल देख लें कि वो कैसा बेड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिनिशिंग वगैरह देख लें, और जाके थोड़ा सोफा सोफा भी चेक कर लेते हैं कि सोफा वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं, और दूसरा वो क्या कहते हैं बेड के लिए काउच बनने के लिए देना है, वो काउच भी जो है ना फाइनल कर, वो भी साथ ही दें ताकि वो के साथ ही आ जाए, इंशाल्लाह अक्सर ना ये वाला कुछ कह रही है उसको ना इस टाइप का चाहिए, लेकिन ना वो कहती है कि इस तरह लेग्स नहीं होने चाहिए, नीचे फुल बॉक्स टाइप बना होना चाहिए, तो वो भी मेरे ख्याल से कलर उसको कुछ पता नहीं कोई डिफरेंट सा ही कलर कह रही है, वो ग्रीन सा पता नहीं क्या पैरेट ग्रीन कुछ इस तरह कलर कह रही है, बरल ये भी मैंने देख लिया ये वाला उसको नहीं चाहिए, दूसरा जिसके अंदर ना थोड़ी स्टोरेज स्पेस भी बन जाती है ना वो वाला अक्सर को चाहिए, वैसे जो भी है ना बेड जो है ना ब्लैक कलर में मैं कहता हूँ लगता बहुत प्यारा है, लेकिन सफाई जो है ना वो बेड मांगता है कि सफाई से बेड की जो है ना वो करनी पड़ती है, हमें ना नीचे से इस तरह चाहिए, मतलब कि ये तो वो थोड़ा भी फिनिशिंग इसकी होने वाली है ना, मतलब हमें लेग्स वाला नहीं चाहिए था जिस तरह की ये वाला अक्सर को नहीं चाहिए, अक्सर कह रही थी कि इस तरह लेग वाला नहीं होना चाहिए, इनके पास ड्रेसिंग रेडी पड़ा हुआ था उस दिन भी ब्लैक में, लेकिन मसला सिर्फ ये आ रहा था
कि ये अक्सा को चाहिए 6 ड्रॉअर वाला और यहाँ पे लेग्स भी नहीं चाहिए। तो बहरहाल बेड तो जो जितने भी है ना यहाँ पे, मैं जितने भी शॉप से देखा बेड सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी जो सा हमने बेड बनवाया है वो थोड़ा सा सबसे डिफरेंट रखा है कि यार को थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन हो। ये तो हर जगह पे ये वाला डिज़ाइन जा रहा है। और अच्छी खबर ये है कि वो कह रहे हैं कि आपको जो सा बेड है ना वो इंशाल्लाह कल मिल जाएगा, और आज है ट्यूसडे वेनसडे, मतलब वेनसडे को वो कह रहे हैं आपको बेड मिल जाएगा। लोडर का मैंने पता कि अगर मैं गाड़ी करवा के लेके जाऊँगा ना दोनों चीज़ें रखवा के, तो तकरीबन 5000 बनना है। और अगर मैं एक दिन बाद है कि मैं बेड पहले ले जाता हूँ लोडर पर रख के, तो वो 2500 है। तो मेरे ख्याल से मैं पहले ही ले जाऊँगा, फिर सबर मेरे से नहीं होना। तो बहरहाल अभी अक्सा को लेके चलता हूँ, इसको कोई ब्लैक वो वाला बॉक्स जो स्टोरेज कह रही ना वो अक्सा को दिखाता हूँ मैं जाके। अक्सा को ना बेड के आगे कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जिस तरह की ये प्यारा बड़ा हुआ प्यारा लग रहा है ना, खूबसूरत लग रहा है, और इसके अंदर स्टोरेज स्पेस पड़ी है आगे उठाएं जरा अक्सा। इस पर ये फ़ायदा है कि अक्सा अपनी चीज़ें सारी रख सकती हैं यार, ब्लैंकेट्स ब्लैंकेट कपड़े शपड़े फोल्ड करके सारी ऐसे जो आपने पहले भी बनवाया ना बाहर रखने के लिए वो भी स्टोरेज वाला ही है, और अगर इसमें भी बनवाएंगी ना तो स्टोरेज वाला ही बनेगा। कलर वैसे आपने क्या सोचा हुआ, थोड़ा कलर मुझे पता लगे। हाँ सही, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक तो ये वाली डिब्बी बनी हुई होती है, एक वो चौरस डिब्बी बनी हुई होती है, वो आपकी मर्जी है। हाँ छोटी होगी, नहीं इस तरह का जो आपने पहले दिखाया है ना वहाँ पे वो उसी टाइप की बनेगी, वो सेम उसी टाइप की छोटी डब्बी बनेगी। आगे भी भाई के पास पड़ी, अंदर बेडशीट भी पड़े हैं वो भी देख लेते हैं, लेकिन ये वाला अक्सा कह रही है ये डिब्बी जो उसके पास पास होनी चाहिए, थोड़ी क्लोज क्लोज होनी चाहिए, चौरस नहीं चाहिए, वो बड़ी प्यारी लगती है। अभी ना जिनको हम लोगों ने अपने सोफे का ऑर्डर दिया है ना उन्हीं की ये दूसरी शॉप पे हम लोग आए हैं, लेकिन बेड इधर भी बड़े प्यारे प्यारे सा रेडी पड़े हुए हैं ना, लेकिन जो वो आपका फेवरेट कलर वो वाला नहीं बस पड़ा हुआ, और वो देखें वो सिंपल गद्दी में भी वो ब्लू वाला सोफा जो अच्छा है ना उसके हाँ वो नीचे कर दिए, ये भी प्यारा लग रहा है डिज़ाइन, ये भी प्यारा लग रहा है, कोई प्लान चेंज करने। हाँ वही मैं सोफ़ा देख रहा हूँ, आज वो साइड से चल के देखते हैं। अच्छा इसका आपने इस तरह किया कि जो दूसरा सोफा है वो उसका नीचे था गद्दी के ऊपर, हाँ, और इसका ऊपर वाली साइड प्यारा लग रहा है, उधर पास चल के देख लेते हैं। अच्छा अभी ये एक और डिज़ाइन दिखाया है, इसके नीचे जो है ना स्पेस का ऑप्शन है, अगर आपने रखवाना हो ना तो रखवा सकते हैं, नहीं तो इस तरह सिंपल में बन जाएगी, ठीक है। हाँ ये भी प्यारा लग रहा है, वैसे थोड़ा छोटा भी लग रहा है ना, तो नीचे वाली साइड पर आ जाएगा तो बड़ा खूबसूरत लगेगा, बेड भी उसके सामने वो मैट्रेस नजर आता रहेगा ऊपर से। और एक कुछ ये वाला डिज़ाइन है, ये वाला तो मेरे ख्याल से अक्सा को नहीं, अक्सा को वो वाले डिज़ाइन ज़्यादा अच्छे लगे, वो सिंपल आपको ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो एक ये डिज़ाइन हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अब हमने करना पता क्या है, जिस तरह हम लोग पहले वो सोफे का सारा पैमाइश वगैरह करके आ गए थे ना, अब इसकी भी एक दफा कर लेते हैं उस हिसाब से, भाई छोटा बड़ा करना हो तो हो सकता है इसका साइज, चुड़ाई वगैरह जो ना आप देख के ना फिर उस हिसाब से बनवाएंगे। हाँ याद नहीं रहा, हमने उस दिन भी यही किया था, सोफे का हम पहले आके देखने लग पड़े थे, वो फिर कल मैं साइज वगैरह करके सारा इंच टेप के साथ लेके आया तो पता चल गया, लेकिन इसका भी आज चल के साइज काट लेते हैं, तो फिर देख लेते हैं अगर ऑर्डर देना हो तो कल या परसों फिर इसका भी ऑर्डर दे देना। कलर जो है वो अक्सा अभी व्लॉग में नहीं बताती, अक्सा ने सीक्रेट सीक्रेट कलर रखे हुए हैं, तो वैसे भाई से पूछ लेते हैं कि उनके पास जो आप कलर चाह रही है वो अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। ये मैं आपको लोगों को एक बार फिर से डिज़ाइन दिखा दूं, भाई ने मुझे जिस तरह बताया ना मैंने कहा चलो मैं भी बताता हूँ, एक तो ये डिज़ाइन हो गया, आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि कौन सा डिज़ाइन होना चाहिए बेड के आगे रखने के लिए। एक ये वाला डिज़ाइन हो गया और एक वो वाला डिज़ाइन, क्या कहें इसको, बर्गर सेट ही कहते हैं, थोड़ी लग भी बर्गर टाइप बन टाइप लग रही है, नीचे से गोल गोल हुई है। तो एक दो और तीन ये हो गए, और बाकी चलते चलते बाहर भी दिखा देते हैं और जो भी डिज़ाइन है ना सारे वो भी दिखा देते हैं। और एक बेड जोन से मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मतलब ये वाले बेड भी चल रहे हैं, ये डिफरेंट सा। वैसे भाई इस बेड के क्या प्राइस है, 55 का बेड है, मतलब किसी को ज़्यादा पोशिश वाला ना चाहिए इसके साथ जो है ना, ये बाकी ये देखें ये वाला ये क्या कहते हैं इसको ड्रेसिंग टेबल वगैरह, ये वुड का आता है, ये वुड वाला आता है, पोशिश यहाँ पे इतनी सी आती है, तो ये भी माशाल्लाह बेड तो खूबसूरत है। सही सही, इसमें भी सारे कलर ऑप्शन नहीं, ये तो बाकी आपकी बात ठीक है कि हमें, मैं मजे की बात बताता हूँ, हमें सोफे में जो कलर चाहिए था ना वो मैं कहीं से मिल नहीं था रहा, लेकिन भाई लोगों की शॉप से आके हमें वो कलर मिल गया माशाल्लाह, वो कलर अक्सा के पसंद का कलर निकला। हाय 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 हाय, लड्डू पेठियां खाई जा रही है गरम गरम, अक्सा इधर जी लड्डू पेठियां एंजॉय कर रही है, ठंडी भी सही लगती है गर्म भी अच्छी लगती है। और मजे की बात आज देख लें कि जब से हम ये फर्नीचर देखने आ रहे हैं ना, आयशा इस टाइम सो जाती है, उसको तो पसीना भी आया पड़ा बेचारी को, इसको बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है इसको, बहुत गर्मी लगती है। हम बिल्कुल ठीक है, हमें इतनी नहीं लग रही, पर अभी का सीन ये है कि हम लोगों ने जाना है घर जाके नापना है, फाइनल फिर ये वाला कर लें, फाइनल तो हो गया, बस उनको साइज मैं चाहे फोन करके बता दूं या जिस तरह भी जो भी है ना उनको मैं साइज बता दूंगा, तो फिर ये बैठ के आगे जो काउच टाइप या जो भी इसको कहते हैं ना, क्या पता नहीं कुछ सैटी सूटी क्या कहते हैं,
ये फाइनल हो जाएगी। इसको स्टोरेज बेंच भी मैंने देखा कहते हैं, स्टोरेज बेंच भी कहते हैं, पता नहीं कुछ ऑटोमैन कहते हैं, पता नहीं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट नाम है। आप लोगों को समझ तो आएगी कि दिखा दी हमने ब्लॉग्स में कि क्या क्या ये सारी चीजें हैं। बट अभी चलते हैं घर जाके इसकी पेमाइश वगैरह करते हैं और इनको फोन करके बताते हैं। और ये सारा सामान ना दिल तो यही है कि इकट्ठा ले जाएंगे या फिर एक सामान में पहले रक्षे पे बेड ले जाऊंगा, सोफे वाला बाद में ले जाएंगे, क्योंकि प्राइस का उस तरह ही आ रहा है। मतलब अगर मैं इस रक्षे पे रख के लेके जाता हूँ ना लोडर पे तो फिर 2500 रुपए है, गाड़ी पे रख के लेके जाता हूँ तो 5000 है, तो फिर लोडर पे एक एक दिन करके ले जाएंगे। बाकी जी आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने एक्सा को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है और आयशा के चैनल में जाके सब्सक्राइब करना है, आयशा विद मॉम को। हमें दीजिए फिर इजाजत, अल्लाह हाफिज। आयशा बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो जल्दी जल्दी से। कोई नहीं करी, ठीक है जी फिर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह बहुत प्यारा बेबी है मेरा छोटा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना बता दो, और जो जो कहना वो भी बता दो। हाँ अच्छी है, अच्छी है। सुबह आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, सुबह सुबह आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, ठीक है फिर। लाफिज लाफिज।